Hello students, in the last class we have discussed about the raw materials of photosynthesis, essential elements of the photosynthesis, as well as we have discussed about the mechanism of photosynthesis, light reaction and dark reactions. Now I am going to deal with the factors affecting photosynthesis. There are several factors which affect photosynthesis. So today I will be discussing with the factors affecting photosynthesis. So there are two types of the factor which affects photosynthesis, internal factors and external factors. ठीक है, तो there are two types of the factors, internal factors and external factors. Internal factors and external factors. Internal factors are also known as plant factors because these are the factors which are present inside the plant. ठीक है, जो plant के अंदर रह करके plant के photosynthesis process को affect करते हैं. ठीक है, so let's see what are those factors, how many types of the internal factors are there and how many types of the external factors are there. तो internal factors, the first internal factor is the number, age, size and orientation of leaf, right? The first internal factor is number, age, size and orientation of leaves, right? जितना ज्यादा green लीव्स होंगे, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा. यंग लीव्स रहेंगे, ठीक है ना, तो मतलब डीजेनरेटिंग है, ओल्ड एंड सेनेसेंट लीव्स नहीं रहेंगे, यंग लीव्स रहेंगे तो ज्यादा उनमें कैपेबिलिटी रहेगी टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. साइज, जितना ज्यादा एरिया कवर करें, जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा सनलाइट वो ट्रैप करेगा, लीव्स ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑफ द लीव. लीव का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो कि सनलाइट उनको प्रॉपर सनलाइट मिले. कभी कभी क्या होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है तो क्लोरोफिल के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. तो देर इज अ परफेक्ट, देर इज अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, मतलब ऑब्लिक ओरिएंटेशन, ऑब्लिकली सनलाइट फॉल होती है, सो जिससे कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म होता है. ठीक है, सो नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, इट अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस, राइट. नेक्स्ट फैक्टर इज मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स एक्चुअली दे आर पेरेन्काइमेटल सेल्स विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो मोर द मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट, मोर विल बी द फोटोसिंथेसिस. थर्ड, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सो इट विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इतना ऑप्टिमम रहना चाहिए कि जो सेल्स जो हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिले और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए. सो इंटरनल फैक्टर्स दे डिपेंड बेसिकली, इसके अलावा दे डिपेंड बेसिकली द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट. इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड इंटरनल क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ही है विच इज द एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद द सनलाइट विच प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस, विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. तो इंटरनल क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट कौन ट्रैप कर करके कौन इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो स्टार्ट द प्रोसेस. तो इट इज वेरी एसेंशियल टू बी द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, राइट. सो इंटरनल फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्री जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो इंटरनल फैक्टर दे डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ
ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स दे डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ लेट्स डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर. तो द मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दे आर सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर. ठीक है, सो दे आर दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. जब कई बार क्या होता है, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोस केमिकल प्रोसेसेस, देन देयर इज अ प्रोसेस मोर देन इफ मोर देन वन फैक्टर अफेक्ट द एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर मान लो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका उस बायोकेमिकल प्रोसेस का रेट कैसे डिटरमिन होगा, विच फैक्टर विल डिटरमिन द रेट. अभी हम देख रहे हैं कि देयर दीज आर द फोर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना. तो इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ इट विल बी डिटरमिंड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमिंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. ठीक है, मान लो किसी एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि सपोज किसी प्लांट में प्रॉपर सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंट में इसके सराउंडिंग में सफिशियंट है, वाटर भी एब्जॉर्ब होकर के उसके रूट के थ्रू रूट्स मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स से एब्जॉर्ब करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम के थ्रू, तो वाटर भी सफिशियंट अमाउंट में है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत लो रहता है. सो टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, तो आप देख रहे हो कि एक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर टेम्परेचर कितना स्ट्रांग है कि सब कुछ सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहते हुए भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत कम है, इट इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. दिस लॉ वॉज गिवन बाय द ब्लैकमैन्स. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय इफ अ केमिकल प्रोसेस is affected by more than one factors is affected by more than one factor then its rate will be determined its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. And this is known as law of limiting factor, which was given by the scientist Blackmans, right? Blackman. मैंने example बताया कि suppose किसी जगह पे कोई plant है, किसी environment में किसी जगह पे, उस जगह पे क्या है, carbon dioxide concentration sufficient है. मान लो यहाँ पे कोई plant grow हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, carbon dioxide concentration जो है वो sufficient amount में है, it is absorbing water through root, it is in sufficient amount, sunlight is in sufficient amount, still it is not performing photosynthesis.
फिर भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे इट इज वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम है. और अभी हम एक एक करके ये चारों फैक्टर देखेंगे कि हाउ दिस दीज फोर फैक्टर्स अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है. द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज टू परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस इज 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस. सो जो यहां पे टेम्परेचर इट इज लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, सो प्लांट विल नॉट शो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और जैसे ही व्हेन इट इज प्रोवाइडेड द टेम्परेचर विच इज सुटेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, द प्लांट विल स्टार्ट शोइंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग. सो यू कैन सी दैट दिस अ सिंगल फैक्टर टेम्परेचर इट अफेक्ट्स द इट डिटरमिन्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेम अकर्स विद ऑल द फैक्टर्स. मान लो ये सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर, सनलाइट भी है, वाटर भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सफिशियंट अमाउंट में नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज हाउ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड. नाउ आई विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन इन डिटेल. सो द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज लाइट. प्लांट्स दे यूटिलाइज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट देर आर सर्टेन मैराइन एल्गी विच यूटिलाइजेज मूनलाइट टू फॉर टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. एंड देर आर सर्टेन प्लांट्स, समटाइम्स प्लांट्स ऑल्सो यूटिलाइजेज आर्टिफिशियल लाइट. ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइट भी यूटिलाइज करते हैं प्लांट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. तो मेनली तो प्लांट्स जो होते हैं, मेनली प्लांट्स दे यूटिलाइज सनलाइट, है ना. और कुछ मैराइन एल्गी हैं, देर आर सर्टेन मैराइन एल्गी दे यूटिलाइज मून लाइट को भी यूटिलाइज करते हैं. सनलाइट तो यूटिलाइज करते ही है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मूनलाइट भी यूटिलाइज करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो यूटिलाइज आर्टिफिशियल लाइट्स में भी कुछ प्लांट्स जो है, समटाइम्स प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इन सम आर्टिफिशियल लाइट्स द प्लांट्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. राइट, अब जो लाइट का है, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये तीनों फैक्टर जो हैं, दे ऑल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. सो अगर हम लाइट में देखें तो लाइट की क्वालिटी भी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट these all three affects the photosynthesis, right? Duration of exposure of light. ठीक है, अब क्या होता है, एट लो लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. मतलब क्या होगा कि जब लाइट इंटेंसिटी कम रहती है तो जितना भी लाइट फॉल हो रहा होता है सनलाइट प्लांट के क्लोरोफिल्स को ट्रैप करके दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. लेकिन जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी एट हायर लाइट इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस, द फर्दर इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल अफेक्ट. ठीक है, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम्स लिमिटिंग. क्यों, हायर लाइट इंटेंसिटी में दूसरे फैक्टर्स जो होंगे दे विल बिकम लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हायर टेम्परेचर में क्या होता है,
हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, जो क्लोरोफिल है इट कैन बी डीनेचर्ड, ठीक है. तो एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, जब लाइट इंटेंसिटी कम रहती है, एट लो लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस, देयर इज अ फोटोसिंथेसिस विल बी परफॉर्म्ड बाय द प्लांट एफिशिएंटली. प्लांट्स एफिशिएंटली, ठीक है. लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जहां ही एट हाई, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. क्यों, व्हाई देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, व्हाई, क्यों, रीजन इज बिकॉज द अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, ठीक है. हमने लिमिटिंग फैक्टर अभी पढ़ा है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि जो फैक्टर अपने मिनिमल वैल्यू की तरफ रहेगा, नियरेस्ट विच आर नियर, द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, इट अफेक्ट्स द सनलाइट, राइट. Now, light saturation, in case of the plant, light saturation occurs at the 10% of full sunlight. ठीक है, light saturation जो होता है, it occurs, light saturation, it occurs at 10% of full sunlight. उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म का प्रोसेस जो है, इट विल स्टॉप फॉर सम टाइम. अब ये बहुत ज्यादा हाई लाइट, जब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है, इन वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म होगी, इन वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी. क्यों, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी देयर इज द डिनेचुरेशन इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अकर्स, ठीक है. तो या तो नो फोटोसिंथेसिस होगी, या फिर और रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, या तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, या फिर देयर विल बी द रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस. एंड द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन, because the high light intensity it causes the denaturation of chlorophyll, denaturation of chlorophyll molecules, theek hai, high light intensity causes the denaturation of chlorophyll molecule. Next limiting factor, next external factor of photosynthesis is temperature. अब क्या होता है, देर इज एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच द प्लांट्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है. एंड दैट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बिटवीन, इट रेंजेस बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. कहीं कहीं पे आप किसी बुक्स में देखोगे, किन्हीं किन्हीं बुक्स में जो रेंज दिया हुआ है, वो रेंज जो है, इट वेरीज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इसमें जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली इफिशियंटली परफॉर्म करते हैं. अब हमने लास्ट लेक्चर में दो तरीके के प्लांट्स के बारे में देखा था, कि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स. तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, कम टेम्परेचर पे जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है. C3 प्लांट में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, लोअर
टेम्परेचर ऑप्टिमम, और जो C4 प्लांट्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड शो हायर फोटोसिंथेसिस इन हाई टेम्परेचर. ठीक है, सो C4 प्लांट्स क्या होते हैं, दे रिस्पॉन्ड्स टू हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड ज्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एज वेल एज दे विल शो हायर फोटोसिंथेसिस इन हाई टेम्परेचर. सो दे विल शो हायर फोटोसिंथेसिस, दे विल शो हायर फोटोसिंथेसिस लाइक राइट. अब और भी दो, अब आपने देखा होगा कि देर आर ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड टेम्परेट प्लांट्स प्रेजेंट. सो इन केस ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स द टेम्परेचर ऑप्टिमम इज हाई, बट इन केस ऑफ टेम्परेट प्लांट द टेम्परेचर ऑप्टिमम इज लो. सो वी कैन राइट, लेट्स राइट दिस इन्फॉर्मेशन. इन केस ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं इनमें जो है टेम्परेचर ऑप्टिमम इज हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इन केस ऑफ टेम्परेट प्लांट temperate plants lower temperature optimum is present. The third factor is carbon dioxide is the major limiting factor or the first limiting factor. It affects maximum the rate of photosynthesis, right? So carbon dioxide, it is the major limiting factor, or also known as the also called as the first limiting factor of the photosynthesis, right? हमारे atmosphere में जो carbon dioxide concentration है, carbon dioxide concentration atmosphere में बहुत कम, it's very low, 0.03 to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. ठीक है, तो इतनी कंसेंट्रेशन पे है जो है हमारे एटमोसफेयर में सारे ग्रीन प्लांट्स दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे अप टू 0.05% तक कंसेंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इट विल शो द इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. If we increase the carbon dioxide concentration up to 0.05%, तो क्या होगा, this will show increase in photosynthesis. लेकिन beyond this level, the carbon dioxide concentration becomes damaging over the larger periods, right? So beyond 0.05% concentration क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड concentration becomes damaging over longer period. ठीक है, longer periods, right? अब हमने जैसे मैंने बताया कि दो तरीके के प्लांट्स हैं, C3 एंड C4 प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अब C3 और C4 प्लांट दोनों क्या होंगे, एट लो लाइट कंडीशन में दे नाइदर रिस्पॉन्ड टू द हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. ठीक है, एट C3 एंड C4 प्लांट, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. एट अगर लो लाइट कंडीशन है, लो लाइट कंडीशन में दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लाइट, राइट. लेकिन एट मतलब दो कंडीशन है, लो लाइट कंडीशन एंड दूसरा क्या होगा, हाई लाइट कंडीशन.
हायर लाइट कंडीशन अगर है तो क्या होगा, दोनों जो है दे विल शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे विल शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, C3 C4 प्लांट अगर लो लाइट कंडीशन है क्या होगा, तो दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड. लो लाइट कंडीशन है, ठीक है, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वहां पे ज्यादा है. किसी एटमॉस्फेयर में मान लो कोई प्लांट है जहां पे सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, लो इंटेंसिटी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो भी क्या होगा, दिस C3 एंड C4 प्लांट दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की. ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे नहीं, लेकिन हाई लाइट कंडीशन में अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो दे विल शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, हाई लाइट कंडीशन में साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो क्या होगा, दे ये दोनों कंडीशंस जो हैं, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, C3 एंड C4 प्लांट इट विल शो इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर. वाटर इज द मेन रिएक्टेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन. ठीक है, वाटर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे ही वाटर इज द मेन रिएक्टेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन, बट इट इफेक्ट्स मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये डायरेक्ट ये मतलब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने से ज्यादा इट विल अफेक्ट टू द प्लांट्स. कैसे, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, ठीक है ना, वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं, प्लांट के जो लीव्स के सेल्स हैं जो दे विल कैन नॉट इनटेक, दे विल कैन नॉट इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड, दे कैन नॉट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, जो लीव्स होते हैं वो विल्ट हो जाएंगे, लीव्स जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं. अगर लीव्स विल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना. सो दिस इज हाउ द वाटर कंडीशन, वाटर affects the photosynthesis. So it doesn't affect directly on the photosynthesis. It doesn't affect directly photosynthesis, but it affects the plant. ठीक है, तो water affects more through its effect on plant. Effect on plants rather on photosynthesis. ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है, मैंने बताया कि अगर सपोज वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे क्लोज रहेंगे, स्टोमेटा क्लोजेस, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कम आता है तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज ना. दूसरा क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन से क्या होगा, अनदर इफेक्ट क्या होता है, लीव्स क्या होंगे, लीव्स विल्ट हो जाएंगे, लीव्स विल्ट होंगे तो क्या होगा, सरफेस लीव्स विल्ट होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होगा, रिडक्शन इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में रिडक्शन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन
metabolic activity, and in this way it will affect the process of photosynthesis. Metabolic activity affect hogi to there will be the reduction in the photosynthesis. Another factor which affects photosynthesis is the oxygen concentration. ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में क्या होता है, ज्यादा हायर, अगर हायर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होगा तो देयर विल बी लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मोर विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लोअर विल बी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लोअर विल बी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हमने देखा कि क्लोरोफिल कैसे क्या करता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोरोफिल कंटेंट. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोरोफिल कंटेंट, यानी कि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा, राइट. So this is how the chlorophyll affects the photosynthesis. So this is about all the factors which affects the photosynthesis. Next is the significance of photosynthesis. The photosynthesis is a boon to nature. It is a boon to human beings. How? Because the byproduct of photosynthesis is oxygen, and we only survive by the presence of the oxygen. We inhale oxygen and then only we can survive. The second is that the carbon dioxide, which is a toxic gas for us, it is absorbed by the plants by the process of photosynthesis. So in this process the plants, by performing photosynthesis, it purifies the atmosphere, है ना. तो plant क्या करता है, एक तो ये, और उसके अलावा क्या होता है, एक तो हमें oxygen दे रहा है, दूसरा it is absorbing जो हम carbon dioxide, हम जो water atmosphere में release कर रहे हैं, जो दूसरे भी जितने भी living organism है वो carbon dioxide release कर रहे हैं, या किसी और process के थ्रू carbon dioxide release हो रहा है atmosphere में, they all are purified by the plants with the process of photosynthesis. Uske alawa the food is only manufactured by the plants. We all the animals, we are dependent on the plants for the food, right? So the photosynthesis is a boon. It is a boon to nature. It is a boon to human beings. Nature and humans. Okay? And what are the significance? First is the production of food material. First significance is production of food material, जो कि हम जिसपे भी हम सारे एनिमल डिपेंडेंट हैं. एंड सेकेंड सिग्निफिकेंस, इट कंट्रोल्स द एटमोसफेयर, इट बैलेंसेज द एटमोसफेयर. ठीक है, सो एटमोसफेरिक कंट्रोल, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, अंदर लेगा, इनटेक करेगा, एंड ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करेगा. एंड थर्ड इज इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर, प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो this is all about photosynthesis. Let's see some activities related with the photosynthesis, with the nutrition in plants. Now let's discuss about the activities related to photosynthesis. Activities related to photosynthesis.
ठीक है. तो फर्स्ट एक्टिविटी विच वी विल डिस्कस इज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट एक्टिविटी और द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और द फर्स्ट एक्टिविटी इट इज द एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल इज necessary for photosynthesis. इसके लिए हम क्या करते हैं, we will perform an experiment in which we will take a potted plant. ठीक है, एक potted plant लिया which has the variegated leaves. ठीक है, जैसे कि वो potted plants है, it may be of the crotons. ठीक है, इन potted plants के जो leaves हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं, मीन्स दे हैव द पैचेज ऑफ ग्रीन कलर्ड एंड वाइट कलर्ड पैचेज. द ग्रीन कलर्ड पैचेज मीन्स दे आर इन दोज एरिया द क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट एंड द नॉन ग्रीन पैचेज आर देयर विच इन दोज नॉन ग्रीन पैचेज देयर क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट. तो क्या किया कि इस पॉटेड प्लांट को अ प्लांट पॉटेड प्लांट पहले क्या किया, वी टुक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स और वो इट मे बी ऑफ द लीव्स मे बी द लीव्स ऑफ द क्रोटन्स जिसमें कि पैचेज होते हैं ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज होते हैं. ठीक है, अब क्या किया प्लांट को पहले 3 दिन के लिए डार्क में रख दिया. क्यों रखा डार्क में, टू डी स्टार्च, मतलब जो लीव्स में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है उनको वो सारी यूटिलाइज्ड हैं. स्टार्च का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग द लाइट, और अगर अंधेरे में रख देंगे तो लाइट का स्टार्च का सिंथेसिस तो नहीं होगा, लेकिन प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट तो होती है टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज. तो लाइट से हटा के डार्क में रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट मर जाएगा तुरंत, पहले वो जो स्टोर्ड फूड है उसको यूटिलाइज करेगा ना. इसीलिए डी स्टार्च करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लांट को कहां रखेंगे, डार्क में रखेंगे. तो डार्क में क्यों रखा जाता है, टू कीप द प्लांट्स इन डार्क फॉर द टू डी स्टार्च. ठीक है, टू डी स्टार्च द प्लांट. 3 दिन तक रख दिया डार्क में, उसके बाद क्या किया उसको फिर 2 घंटे फॉर 6 आवर्स द प्लांट वॉज केप्ट इन सनलाइट. 6 घंटे के लिए प्लांट को फिर सनलाइट में रखा. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, दे प्लक वन लीफ, एक लीफ को तोड़ा यहां से. ठीक है, और उसको क्या किया उन्होंने, अब उसको बॉयल करना है. ठीक है, अब हम इसको बॉयल करेंगे. तो पहले वॉटर लीफ को जो है बॉयल किया, बॉयल्ड इन वॉटर. ठीक है, लीफ को क्या किया वॉटर में बॉयल किया. उसके बाद फिर क्या करेंगे, लीफ को डीकलराइज करने के लिए जो ग्रीन पैचेस प्रेजेंट है यहां पे लीफ में उनको डीकलराइज करने के लिए किस में बॉयल करेंगे, एल्कोहल में. तो एक बीकर में एल्कोहल में टू डीकलराइज लीफ किसमें बॉयल करते हैं, एल्कोहल में. एल्कोहल में डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले एक बीकर में किसी एक बीकर लेंगे उसमें सपोज एल्कोहल है तो उसमें लीफ को डाल दिया, इस तरीके से लीफ को डाल दिया. अब इस बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, अब इसको डायरेक्ट हम हीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे एल्कोहल को, इसको फिर हमने क्या किया एक वाटर बाथ बनाया, एक बड़ा वेसल लिया जिसमें कि पानी था और उसको बॉयल करना शुरू किया. एक स्प्रिट लैम्प लिया, विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिट लैम्प वी प्रोवाइडेड फ्लेम. ठीक है, इस तरह से, और ये दिस इज द वाटर बाथ. तो डायरेक्ट हम नहीं बॉयल करते हैं, वाटर बाथ में
एक बीकर जिसमें कि अल्कोहल होगा उसमें लीफ को डालेंगे प्लग करके और उसको फिर वाटर बाथ में रख देंगे। इस तरह से वाटर बाथ तैयार किया जाता है। एक बड़े पॉट में वाटर रख करके उसको बॉयल करेंगे और उस पॉट में फिर हम ये बीकर रख देंगे। अब क्या होगा, इसको बॉयल करके डीकलराइज कर दिया, तो डीकलराइज करने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल में क्यों डालते हैं लीफ को, टू डीकलराइज। डीकलराइज करने के बाद क्या किया, लीफ को निकाला और उसको गर्म पानी से वॉश किया तो लीफ सॉफ्ट हो गई। अब क्या होगा, उसके अलावा जो अल्कोहल जो था उस पर लीफ के सरफेस पे अल्कोहल लगा था वो भी रिंस्ड ऑफ हो गया, उसको रिंज कर दिया। उसके बाद लीफ को क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी विल पोर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इसको एक बार फिर वॉश कर दिया। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या हुआ कि जब हमने लीफ को ऑब्जर्व किया, तो सपोज ये लीफ है, अब मैं यहां पे थोड़ा बड़ी साइज का लीफ बना रही हूं जिससे आपको क्लियर हो। तो सपोज दिस इज वेरीगेटेड लीफ, ये जो है इनिशियली दीज आर ग्रीन पार्ट, ग्रीन पैचेस प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड दीज आर नॉन ग्रीन पैचेस जो मैं सर्कल में दिखा रही हूं, नॉन ग्रीन पैचेस। तो जब हमने वॉश आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया, उसके बाद लीफ को ऑब्जर्व किया, तो जो ये नॉन ग्रीन पार्ट था ये तो वाइट ही रहा। ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट जो था इट टर्न ये वाइट ही रहा, लेकिन जो ये ग्रीन पार्ट थे, दिस ग्रीन पार्ट, ऑल द ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन पैचेस, दे टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, एंड ब्लू ब्लैक कलर क्यों टर्न किया, क्योंकि यहां पे क्या था, अल्कोहल प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। राइट, कैसे स्टार्च कैसे फॉर्म किया, पहले तो डार्क में रख के डी स्टार्च किया प्लांट को। ठीक है, तो जितना भी जो नॉन ग्रीन पैचेस थे और ग्रीन पैचेस सब में अब स्टार्च खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको फिर 6 आवर्स के लिए इस पॉटेड प्लांट को कहां रखा, सनलाइट में रखा। उसके बाद लीफ को तोड़ा, प्लग किया और उसको पहले गर्म पानी में बॉयल किया, फिर गर्म पानी के बाद उसको अल्कोहल में बॉयल किया, वाटर बाथ बना के। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि वाटर बाथ कैसे बनाते हैं, वाटर बाथ में बॉयल करने के बाद फिर उसको रिंच किया, लीफ को रिंच किया और उसके बाद उसमें डायल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाला। डायल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हमने उस लीफ को फिर वॉश करके जब लीफ को ऑब्जर्व किया, तो जो व्हाइट पार्ट, व्हाइट पैचेस थे, नॉन ग्रीन पैचेस थे वो तो व्हाइट थे, पर जो ग्रीन पैचेस थे, इनिशियली जो ग्रीन पैचेस थे, दे टर्न ब्लू ब्लैक कलर एंड दिस टर्निंग इन ब्लू ब्लैक कलर इट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब कि इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही स्टार्च फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी 1 विच शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमें कंक्लूजन क्या, व्हाट वी कंक्लूडेड, व्हाट कंक्लूजन क्या आया, वी कंक्लूडेड दैट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च, फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च। राइट, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटीज 2। दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च, टू सिंथेसाइज स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज एक्टिविटी 2। हर एक स्टेप को समझना जरूरी है, क्यों अल्कोहल डाला, क्यों बॉयल किया वाटर में, क्यों गर्म पानी में फिर बॉयल उसको रिंज किया जस्ट टू सॉफ्टन द लीफ। राइट, नाउ सेकेंड एक्टिविटी में उस सब हमने एक दो पॉटेड प्लांट लिए इन आ बेल जार, वी कैप टू पॉटेड प्लांट एक बेल जार में रखा
पहले जो दोनों पॉटेड प्लांट दोनों में क्या किया था, पहले उसको डी स्टार्च किया। डी स्टार्च करने के लिए क्या करते हैं पॉटेड प्लांट को, मैंने बताया कि उसको 3 दिनों तक डार्क में रखा, उसके बाद फिर उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में ले आए और एक बेल जार में रखा, दोनों पॉटेड प्लांट को इस तरीके से, ठीक है। डी स्टार्च करने के लिए मैंने बता दिया है कि डार्क में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सनलाइट में लाए, फॉर वी कैप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। अब एक पॉटेड प्लांट, ये ग्लास प्लेट के ऊपर पॉटेड प्लांट को रखा हुआ है, दिस इज द ग्लास प्लेट। और एयर टाइट करने के लिए क्या किया था, एयर टाइट करने के लिए यहां पे जो है वैसलीन से एयर टाइट कर दिया, ठीक है, वैसलीन लगा के उसको एयर टाइट कर दिया। अब एक जो पॉट, एक जो बेल प्लांट का जो सेटअप था उसमें एक पेट्री डिश में, एक प्लेट में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड कोटेड कॉटन रखा, अ कॉटन सोक्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की का नेचर होता है टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे में हमने ऐसा कोई प्लेट नहीं रखा, ऐसा कोई कॉटन नहीं रखा जिसमें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सोक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक था, ठीक है। अब क्या किया, इसको लाइट में रखने के बाद 2 घंटे लाइट में रखा, उसके बाद हमने दोनों की लीव्स निकाली, दोनों की लीव्स ली और दोनों का स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट ऐसे सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, स्टार्च टेस्ट किया। तो इसमें जिस सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन रखा था उसमें क्या हुआ, स्टार्च सिंथेसिस शो नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, इट वाज अब्सॉर्ब्ड बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे लाइट में जब रखा, सनलाइट में रखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो यहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, नो फोटोसिंथेसिस। पर इस सेटअप में क्या हुआ, इस सेटअप में कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट कॉटन नहीं रखा था, तो यहां पे क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड था इट वॉज सो एब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड इट शोज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म हुई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई तो क्या हुआ, स्टार्च बना। तो इस पॉटेड प्लांट के लीव को जब स्टार्च के लिए टेस्ट किया तो इट शोज द पॉजिटिव रिजल्ट, इट शोज द प्रेजेंट, इट शोड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय टर्निंग द लीफ इन ब्लू ब्लैक कलर। बट इन दिस केस क्या हुआ, इट डिंट टर्न इन ब्लू ब्लैक कलर बिकॉज देर इज नो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। डी स्टार्च करने के बाद हमने रखा था ना, तो यहाँ स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो भी यहाँ प्रेजेंट था, इट वॉज एब्सॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एंड द लास्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 3, थर्ड एक्टिविटी, ए टू शो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड एक्टिविटी इज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अगेन वी टुक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लिया और उसको पहले, ठीक है, उसको डी स्टार्च किया बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क फॉर 3 डेज, ठीक है। और वो जो पॉटेड प्लांट लिया हमने, दैट पॉटेड प्लांट हैज लॉन्गर लीव्स, ठीक है। अब डी स्टार्च करने के बाद हमने क्या किया, एक लीफ को कुछ जगह पे एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट वॉज कवर्ड विद द एल्यूमिनियम फॉयल से टाइटली कवर कर दिया, ठीक है। खूब टाइटली वी कवर्ड द लीफ विद एल्यूमिनियम फॉयल, और इतना
ये इंश्योर किया कि कहीं से भी सनलाइट जो है सनरेज एंटर ना करे, ठीक है, कहीं से भी सनरेज एंटर नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या किया, आपने फिर से ध्यान दिया, पहले इसको डी स्टार्च किया, 3 दिन तक डार्क में रखे, उसके बाद फिर क्या किया, पहले लीफ सनलाइट में ले जाने से पहले एक लीफ को हमने, एक लीफ के एक पर्टिकुलर पार्ट को एल्यूमिनियम फॉयल से एकदम टाइटली कवर कर दिया, या ब्लैक पेपर से टाइटली कवर कर देते हैं, इतना टाइटली कवर करेंगे कि कहीं से भी सनरेज अंदर ना जाए। उसके बाद हमने स्पॉटेड प्लांट को जो है सनलाइट में रखा फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद हमने इस लीफ को प्लग किया, प्लग करने के बाद वी टेस्टेड इट फॉर द स्टार्च टेस्ट, ठीक है। स्टार्च टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, जो ये लीफ था यहां पे क्या था, ये जो ग्रीन पैचेस थे दे टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। स्टार्च टेस्ट करने के बाद ये जो ग्रीन पैचेस थे दे टर्न इनटू ग्रीन, जो एक्सपोज्ड पार्ट था, दीज आर द एक्सपोज्ड पार्ट एंड दीज आर द कवर्ड पार्ट, ठीक है, विच आर कवर्ड बाय द एल्युमिनियम फॉयल। तो जो जो ये एक्सपोज पार्ट थे दे टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर आफ्टर द पोरिंग आयोडीन सोल्यूशन वेल व्हाइल वी परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट, बट दिस कवर्ड पार्ट इट डिड नॉट शो, इट डिड नॉट टर्न इन टू द ब्लू ब्लैक कलर, इट रिमेन कलरलेस। क्यों, क्योंकि ड्यू टू कवर्ड, ड्यू टू बींग कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल, इट डिड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, तो फोटोसिंथेसिस यहां क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ी, सनलाइट नहीं पड़ी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर ये इतना पोर्शन जो था वो कलरलेस था। एंड दिस शोज दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टार्च। So this is all about the activities related with the photosynthesis. Next I will discuss with the nutrition in animals. Thank you.